तो दगड़ियों आज त्योहार है तो अंदर बजरी भी घस दिया है, यह बजरी भी घस दिया है यहाँ। और कैसी है? कस कैंची तो लिपाई पुताई हो गई है, यह किचन भी लिपाई पुताई करती है, आग वाला किचन सब रेडी है। किचन में देखिए अभी कोई आदमी चला नहीं है इसमें, और वो पूरी ओस पड़ी है यहाँ, इतने बड़े बड़े हो गए हैं झंवर आज कल, क्योंकि बारिश थी टाइम से, बारिश बरस गई तो घास जम के इतनी बड़ी हो गई है। और ये हमारा शिवालय मंदिर है यहाँ पर, सॉरी भूमियाल मंदिर है सामने। तो सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, पहला नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मजे मगे मस्त होंगे। तो दगड़ी आज एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं, और एक नए महीने की शुरुआत करते नए महीने की शुरुआत के साथ, और एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम आज। और अभी हैं हम पोसर के धारा में यहाँ पर, और मेरे पीछे देखिए आप पूरे पहाड़ है, यहाँ पर हरियाली है, पूरी छाई हुई है, और फसला धूप निकली हुई है यहाँ पर, और बहुत अच्छा दर्शन दे रखा है सूर्य देवता ने, आज बहुत अच्छे प्रकट हो रखे हैं। सुबह सुबह धूप आ गई है 6 बजे। और तो स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का मेरे ब्लॉग सुरेंद्र दोसाज मेरे पहाड़ पहुँचारे में। और हिंदुओं का त्यौहार है, और उत्तराखंडियों का त्यौहार है, और सावन का महीना लगा है, और ये पहचान भी है, इसको जनेऊ बोलते हैं, और ये क्षत्रियों का जनेऊ जनेऊ है, और हिंदू हमारे जो सनातन धर्म है उसकी पहचान है जनेऊ से, जो सनातनी है। और सनातन में बहुत सारे वर्ण आते हैं, हिंदू ब्राह्मण सभी आते हैं, जितने भी वर्ण हैं हमारे पहाड़ों में, हमारे देश में। तो एक पहचान ये भी है हिंदुओं की और सनातनों की, ये पहचान है। तो अब करते हैं स्नान, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, और बहुत सारे पकवान बना रहे हैं आज, और जगह जगह जाएंगे हम, पूरा सिमलपुर का भ्रमण करेंगे आज, और देखेंगे हर घर में क्या बना रखा है, क्या बन रहा है, और नए नए पकवान दिखाएंगे आपको हरियाणा के पर्व में क्या क्या बनाते हैं करके। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियो को, नमस्कार। चलते चलते रास्ते में ये सुअर भी आया है रात को, ये पूरा मोह खाना है यहाँ पर ये। तो पहुँचने वाले हम धारे के नज़दीक में, पोसारे के सहरे के बीच बीच में है धारा, तो पहुँचने वाले हम धारे में भी ये प्रवेश करने वाले हैं। तो ये है धारा, इस धार में नहाएंगे हम, कितना साफ बना रखे हैं, कपड़े भी धो सकते हैं हम आराम से बैठ के। और ये पूरा इधर पोसारे का सेहरा है, घाम भी आ गया है, धूप आ गया है, सॉरी धूप, इसको समझ भी नहीं आ रहा तो धूप बोलते हैं, और हमारे पहाड़ में घाम बोलते हैं। तो ये है सुबह सुबह का मौसम, पूरी धूप खिली हुई है, सुबह के बज रहे हैं अभी 7, बादल भी छाए हैं आसमान में काले काले, और वहाँ से सूर्य देवता भी आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं। ये है धारा, अब यहाँ पर नहाए धोए हुए हमारे, ये साबुन रखने का बना रखा है, जाओ जाओ बोलते हैं इसको, जगह है साबुन वाबुन रखने का, शैम्पू वैम्पू रखने का नहाने के लिए। तो पानी बहुत ठंडा है, ये धारे का पानी है, मूल का पानी, और बहुत ठंडा है, देखते हैं बहुत ठंडा है। हरिओम 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 विष्णु 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 हरिओम हरिओम विष्णु 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 ओम भोलेनाथ ओम भोलेनाथ जय हो भोलेनाथ जय हो भोलेनाथ हरिओम हरिओम विष्णु 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 ओम हरिओम हरिओम विष्णु 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 हरिओम जय हो भोलेनाथ जय हो भोलेनाथ हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 हरि ओम 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 हरि ओम। ठंडा हो रहा है बहुत, पानी बहुत ठंडा है, अरे अरे और मज़ा आ रहा है। हरि ओम तो दोस्तों नहा लिया है, और स्नान हो गया है, अच्छी तरह से हो गया है, अच्छी तरह से नहा लिया मैंने पूरा ठंडे ठंडे पानी से सुबह सुबह, और बहुत ही मज़ा आ गया है नहाने में। और
तो सभी दोस्तों को सावन महीने की पहले गति की बहुत बहुत बधाई और हरेला त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और बाबा भोलेनाथ और आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और आपको अपार सुख संपत्ति दे। और यही कामनाओं के साथ हरेलाओं की त्यौहार की पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहतं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहतं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। तो दोस्तों अभी पूजा अर्चना हो गई है मेरे अपने घर में, और हरा भी चढ़ा दिया है मैंने ये, और यहाँ भगवानों को भी चढ़ा दिया है मैंने सबको ये, और पूजा भी कर दिया है, माता जी की पूजा कर दी है, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर दी है, सभी देवताओं देवी देवताओं का पावन कोटि देवी देवताओं का पूजा कर दी है। अब जा रहा हूँ अपने इष्ट देवता के मंदिर में और पुराने घर में वहाँ जहाँ मेरी इजा रहती है वहाँ जा रहा हूँ अभी। और तो हरियाली है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरेला की पुनः एक बार, और जितने भी देवी देवता हैं पावन कोटि देवी देवता और सभी आपकी रक्षा करें, सबको अपार सुख संपत्ति दे। जय माता दी, जय भोलेनाथ। तो आज सोनमन त्यार पजन जाने भोजिया मारी हो और नई त्यार आ रहा सोनमन को, ये पुराना होना है ये के नौ नहीं दिखना है आज यो तुम्हें मुंह किंदो रे भिल गए कान तुम्हें किंदो रे आई मुंह हे आज बिल्कुल ते सोन चांदी बदे लेबड़ी जान है होबे बारे मने कोई काटा लहावा चोर बहुत रे पर झुलता है मने चोर चोर रे बल यो सुन का सुन बदे बरे रे बुगो जोर आज तुम्हें किने फेरा सुना तुम वाली जानिया कब कोर पिशु ना वहाँ ब्यूटी पार्लर में ले गिर वहाँ मैंने नए बड़ा भी भेजिया के लिए जाना है नाचने हैं लगाने पूरी लगाने खीर लगाने घी लगाने दही लगाने और के लगाना चेल बाजार वाले को चेल हैं चेल हैं दी चेल के लगाने बगा है लगाने ना नाचने हैं अलग बात चेल हैं अलग बात नहीं है उधर चेल खाली बोले अब बाजार वाले ना ना चेल हैं बताओ मैंने चेल हैं के लिए जाना है चेल हैं बाजार वाले कौन बा और जवा है जवाहर के जान है हरियाली जाने पूरी जाने खीर जाने दिल्ली जाने और आप चेल हैं की जाने आई उगली जाना चेल हैं नाचने हैं एक चीज और जमा है जमा करना दिन अब जमा बनी उसके लिए गान है समझे है के लिए जानो जमा है बताओ जमा है जमा बने मिठाई ले जोन मिठाई ले जोन और शेब ले जोन समी है
समझी है क्या नहीं जाना है किले असली खाने जो तुम्हारे समझी हूँ बिस्कुट बन भाई बिस्कुट ले जोन और समझे डंडे ले बैठा रहा है कि आया सुंदर सिंह समझन है कि जान है समझन है ला पूरी जाने हैं और तुम किधर ना बस समझन है कोई कहाँ में समझे अंदर सर वो समझी है और मैंने भजिया वहाँ आलू पकौड़े बने आलू पकौड़े ऊपर याद है दुकान वाली जाए माल फेर बे समझे है वो तीन हम माल फेर बे तो गुआड़ों जहाँ दीदी कुड़ है पलखा भर पर यार होगा दुकान होगा और तुम उनके पुजार आप जाते हैं दही दूध घी नमकीन कुरकुरे चिप्स पूरी पकौड़ी और चेल हैं ले सब हुई है समझे हैं ले हुई है चेल समझे हैं हुए सब ये कहा और जवान बने के बेच रहे जवान बने के बेच बने जवान तो विदेश आप विदेश हैं बांडर जा रहे हो जवान पूरी जा रही सब एक मतलब सब है एक चीज भी आ रहा है टीपन में खीर भी आ रहा है अच्छा खीर भी आ जा जा हालत टीपन बताओ अरे आ भी आ जा की भी आ जा और नई बुआर है के बेच रहे कब को राज नई बुआर है खीर पूरी हरिया तुम कितने गए हो तुम जान है तुम नहीं गया अरे मैं घर को कहीं है यार बेसन ब्याह भज गाड बे बुकिंग जल्दी आ जा तुम ब्याह को बात है दिन में गा को दी है गा को गाड़ छी अभी हाँ बस जानवर बो के तैयार हो सोने में नहीं पे बारे खादीर किले में अपन कोर पे शमार दी है हाँ उल्लू भी खैर बाहर चाहो ना और समझी माँ सराज समझूर देखा ना और किनाक बनी बो मिल गया उनके यार बाबा मैं समझूं अरे काम है उनका जहीं पे आते हो ना वो कहीं यार समझूं होना कि कोई और होने के बाद तो तुमके समझूं नहीं लगी है तो मजा भी वो यार समझूं मैं बहुत जवान हूँ और बहुत खूबसूरत हूँ कहीं तो यार समझूं इन्हें मुख में अच्छी मड़ने पड़ाई जवान हो आएगी लग हा बाट त्यार आर खाबे आज जोन में गिर जान हथियार है अच्छा कहाँ लग है बाट गोरू खोल दे हाँ चलो ठीक है तो पहुँच गए हम अभी मात के बाखले में वो सुना वो का पहना और काखे बगार खोल बह गई आई ले 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 क्या क्या दान फान खान बह गए बगार घूमते गए ये लग घूमते गए अरे खा लक्ष्मी मल करोली मल ये लक्ष्मीमल करोलीमल ये पारी या कहे मुने टिगरे ने खाओ रे खाओ कि खानी है कि खाने रे कि खानी हो कि खानी आई हो कि खानी है यो पा मुने टिगरे नानी घर अरे का मान हो लगे उधर टक्कर ली नहीं है यो उधर के ये बल्दे लग खुद की ना आ तो मैं गाँव ड्यूटी ना बगुनो खानो पे जानो गाँव ओ पका खाबे पे जाए नहीं कहा कहा नहीं भी रेडी हो गया हमारे चाची ये है हमारे चाची नहा धो के रेडी हो गया बगरा गुआ जहाँ पे आगे पूरे मलमल छे पे आले पाले त्यार पका ले आई राती भरो सुबह आई राती भरो तो पहुँच गए हम अब माँ से बकाई में और अभी करते हैं पूजा अर्चना पूरन सिंह आएगा है पूरन सिंह ने तैयार रहेगा करी तो बियो ले कौन ये इजा हो जा पहला हो जा ये इजा नई धोई बे नई है मुंह ने जुरे जब बदेर मने दवा अब हम घर दवा बदेर मने दवा हम मुंह ने जुरे जला तैयार हो जा बिल खाने जा ले बोल मैं भाई बोल मैं भाई इजा जवाने देख भाई इजा उम्र बहुत है कुछ साल है कि जातो के 80-90 साल है अस्सी नब्बे जोड़े को दोनों आठ सोल 117 साल है इसके 80-90 तो आप नायल दो थोड़ा देर में फिर मैं नहा धो लिया फिर मैं अरे आदर्श का लिया कान फिर मैं लिया प्रेम है अब प्रेम नाम दे रहे प्रेम से फिर मुँह ने कान में आधा रे फिर मैं लाइट 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 तैयार है गई जय हो पांडा देवता जय हो जय हो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे राधे
जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नमो दुर्गे सुकरणी, नमो नमो अंबे दुर्गहरणी। निराकार है ज्योति तुम्हारे, तीनों लोक में फैली उजियारी। सशील लाडमक महा विशाला, नेत्र लाल प्रकृति विकराल। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस कर जनयति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लयकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय का सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य जावे। रूप सरस्वती को तुम धरा, देश बुद्धि ऋषि मुनि द्वारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मनासा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित निजात बखानी। मातंकी अरुधमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारणी, छन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर सुलत अगवानी। मोको मातु कष्ट अति घेरु, तुम बिन कौन हरे दुख मेरु। आशा तृष्णा निवर सतावे, मोह मदाधिक सबिन सावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छ तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रीति सिद्धि दे करो निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुम्हरो यश में सदा सुनाऊं। कर्म खपर खर्ग विराजे, जाको देखे का डर भाजे। सोहे अस्त्र हर त्रिशूला, जाते उठ शत्रु हे सूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहो लोक में डंगा बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्तवीर शंखन संहारे। महिषासुर निर्भयाति भी माने, जही अकबार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिकार संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुवासा लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरित निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो निर्मल लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। योगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचरत तब केनो, काम अरु करो जीती सब लेनो। निसी दिन ध्यान धरो शंकर को, काहो काम नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति पखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, धैर्य शक्ति नहीं किन्नी विलम्बा। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय माता दी, जय हो श्री। जय हो। तो अभी
हम पहुँचे हैं तीसरे मंदिर में, तीसरे कुलंकारी देवता के मंदिर में। और तो यहाँ पे बालक पुत्र बैठा हुआ है, यहाँ ये तो पीमा पहुँच गए हैं। तो ये हमारे कुल देवता श्री भैरवनाथ भैरव देवता की मंदिर। तो यहाँ पूजा प्रार्थना कर चुके हैं बच्चे लोग पहले ही है। और फिर में सलाह पाना जगह जगह भी बैठ जगह चौड़े पे और आराम में चला मोर। तो ये हमारे इस बाबा भैरवनाथ के चिमटे और ये फोड़ी है, वहाँ पर फोड़ी त्रिशूल है और ये मंदिर है। और मंदिर हल्का सा खोल देते हैं इसको, अभी एक ही खोलते हैं एक बंदे रखते हैं। तो यह जय हो श्री देवता, जय प्रभु नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं वटुक भैरवाय नमः, 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 ओम ह्रीं वटुक भैरव देवताय 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 नमः। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुघरिणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, त्यो लोग में फैली उजारी, सचिल लाडवक महाविशाला, नेत्रलाल भ्रगति विकरारा रूप, रूप बात को अधिक सुहावे, दरस कर जनति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लायके ना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय का सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे, रूप सरस्वती को तुम धरा, देश सद्बुद्धि ऋषि मुनिवारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़कर खम्बा, रक्षा करे पदार्थ बचायो, हृणा कश्यप को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही, शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मनासा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित निजात बखानी, मातंकी अरुधमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरवी तारा जगतारणी, चिन्ह भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर बीच रागवानी, मोको मातो कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निभर सतावे, मोह मदादिक सबिन सावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो किचित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लगे जियो दया फल पाऊँ, तुम्हारो यश में सदा सुनाऊँ, कर्म खपर खड़ग विराजे, जाको देखी कार डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठे शत्रु हे शूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहो लोक में डंगा बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त भी संखन संहारे, महिषासुर निरपयाति अभिवानी, जही अकबार मही अपलानी, रूप कराल काली का धारा, सैन्य सहित तुम तिही सहरा, तिही सहरा परिगार संतन पर, जब जब भय सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरु वासव लोका, तम महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरित निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो निर्मल लाई, जन्म बड़ो ताको सुख जाई, योगी सुरमुनि कहद पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे, शंकर आचरा तब किनो, काम अरु करो जीति सब लेनो, निसी दिन ध्यान धरो शंकर को, काहो काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीन विलम्बा,
दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय माता दी, जय हो कुलंकर। जय हो प्रभु नारायण देवी देवता। जय हो प्रभु नारायण। तो माता पिता की कृपा से, इष्ट देवता की कृपा से सभी मंदिरों में अभी पूजा पाठ मेरा पूरा हो गया है। और अपने तो यह सावन का महीना है और सभी लोग आजकल पहाड़ों में और अपने उत्तराखंड देव भूमि है यह, तो जब भी त्यौहार आते हैं हर महीने में तभी पूजा पाठ किया जाता है मंदिरों में। और क्योंकि हमारे कुल देवता इष्ट कार्य देवता ठहरे हुआ और जब तक वो हमारे घर में घरों में विराजमान है तब तक हम भी विराजमान हैं, और जब तक देवता हैं तब तक हम भी हैं, तब तक संसार भी है सृष्टि भी है। तो जब जब ऐसे शुभ मुहूर्त और ऐसे त्यौहार पर्व आते हैं तो उस टाइम पर उनको भी धूप अगरबत्ती की खुशबू और घंटी संग ध्वनि उनके मंदिर में होने चाहिए। तो ये ज़रूरी है। और ये पीछे है हमारा गांव है, ये कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पर। तो हो गया है संग ध्वनि, हो गया है पूजा पाठ, हो गया है, अब चलते हैं घर को। अब त्यौहार बना रहे होंगे, अब त्यौहार के कैसे क्या क्या बना रहे हैं देखते हैं सबके घरों में। और पूरे संसार के पूरे सृष्टि के कल्याण हेतु आज पूजा पाठ किया है मैंने, और सभी लोगों का भला करे भगवान और इष्टकारी देवी देवता जो भी हमारे घर में इष्टकारी कुलंकारी हैं, और पूरे सृष्टि का कल्याण करे, सबके घर में सुख शांति सुख समृद्धि दे, आपात सुख संपत्ति दे और खूब फले फूले और सबका कल्याण हो, ऐसे ही हमने मनोकामना मांग रखी है भगवान से। जय हो। तो कैसी लग रही है आपको मेरे वीडियो ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि आभार और कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, आप सभी जगहों का।